मुगल कॉलोनी का सोसाइटी मेंबर्स पूरा लोग आके पुलिस स्टेशन में सब पुलिसों की सम्मान करें, दिलखुशी करें, ये हमारा बहुत अच्छा अप्रिसिएशन है और हमारा भी ये बूस्टिंग मिलता और सेटिस्फैक्शन भी मिलता। ये पोल्यूशन लिमिट्स में पुलिस अच्छा ड्यूटी कर रहे हैं, बोल के ये लोग सम्मान करें और क्राइम रेट भी कम हुआ, उसके वास्ते पब्लिक ये अप्रिसिएशन दिया, हमारा यही सेटिस्फैक्शन मिलता और ये सेटिस्फैक्शन लेके हम और ज़्यादा ड्यूटी अच्छा करके क्राइम कंट्रोल करने की कोशिश करते। ये पूरा हर आदमी की पूरा नाम पे धन्यवाद, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैलादेपल्ली पीएस में आके एस आई साहब जो भी है टीमों के जितने भी लोगों के ना गुलफोशी की गई है पूरी मुगल्स कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, इस वजह से की गई है कि यहाँ पर क्राइम रेट जो है ना कम से कम होता जा रहा है और जो है ना इनकी जो मेहनत जो पुलिस डिपार्टमेंट है सीआई साहब जो पुराने नरसिम्हा साहब भी है हमारे राजेंद्र सर भी है जितने भी रामलू सर है एएसआई मुर्तजा अली साहब है और शायद अली साहब है कृष्णा साहब है और जितने भी सारे एएसआई जो भी है ना हमेशा कहीं ना कहीं देखो आज नहीं तो फिर कल देखो आप बाइकों पर निकल जाते साइकिलों पर चले आते क्योंकि क्राइम को जो है ना रोकते हुए हर जगह सडनली एंट्री कर लेते लोग तो इस वजह से जो है ना क्राइम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कम होते जा रहा है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ और युद्ध जो है ना जो बाहर जो युद्ध भी जा रहा है गलत रास्ते पे जो जा रहा है वो युद्ध से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो मैलादेपल्ली पीएस का आप सपोर्ट लीजिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए, मर्डर्स वगैरह जो भी आजकल जो जा रहे हैं तो मर्डर्स करने में या कुछ भी करने में जो क्राइम जो है ना और बढ़ते जा रहा है उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है हमारे को, कुछ हासिल होने वाला तो होता ही नहीं है हमारे को, तो क्या करते हैं सीधा मर्डर वगैरह कुछ भी करे या क्राइम करे चोरी करे सीधा जाके जेल में बैठना है आप लोगों को, क्या फ़ायदा? आप जिंदगी अगर अच्छा बनाना है, जिंदगी अगर लेके साथ चलना है, बीवी बच्चों को साथ लेके चलना है, अपने घर वालों को साथ लेके चलना है तो देखिए मेहनत करिए, जॉब करिए। अगर आप लोगों के पास जॉब्स नहीं है, अगर आपके पास जो एजुकेटेड पर्सन नहीं है या अगर आप लोग अनएजुकेटेड है तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए, इंशाल्लाह मैं जॉब जो है ना यहाँ पर कंपनी सुन दो या तो अगर पढ़े लिखे तो बड़े बड़े ऑफिसों में जो है ना आप लोगों को जॉब लगा के जो है ना इंशाल्लाह आपके अच्छे जो करियर जो है ना आपका अच्छा बनाइए आप लोग। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Thank you.